नमस्कार दोस्त, आज मैं आपको बोरोनियम ट्रेडिंग के बारे में बताऊँ एम्ब्रियोनिक इंडेक्स के बारे में। यह बोरोनियम प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें एक कोशिका का समूह किसी परिरेक ऊतक द्वारा दूसरी कोशिका के समूह को बनाते हैं। इसे प्रतिक्रिया ऊतक कहते हैं। परिरेक ऊतक और प्रतिक्रिया ऊतक के बीच में अंतःक्रिया होती है। प्रेरण ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोशिका के बीच रासायनिक संकेतों द्वारा संचार होता है, जिससे कि विभेदन, अंगों का निर्माण, अनुरक्षण, मेंटेन होती है। प्रेरण सीधा विभेदन के विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण द्वारा जीवों में भ्रूण का निर्माण होता है, जैसे हड्डे का बनना, आंख के भाग बनना, किसी अन्य भागों का निर्माण होना भ्रूणीय प्रेरण द्वारा होता है। भ्रूणीय प्रेरण दो प्रकार का है, प्राथमिक भ्रूणीय प्रेरण और द्वितीय भ्रूणीय प्रेरण। प्राथमिक भ्रूणीय प्रेरण यह प्रारंभिक भ्रूण का निर्माण करते हैं, जैसे निरोड़ रूप का बनना। जैसे प्राथमिक भ्रूण का अर्थ होता है जिसमें क्या है, पहले जो प्रारंभिक मुख्य मुख्य जो अंगों का निर्माण होना है उसकी प्रारंभिक प्रक्रिया होती है। द्वितीय भ्रूण भ्रूणीय प्रेरण, इसमें सीधे मुख्य अंगों का निर्माण होता है, जैसे दांत, हाथ, आंख, अलग शादी का निर्माण होना। भ्रूणीय प्रेरण जिनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, कोई भी अंग का निर्माण होता है स्पेसिफिक जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। अन्य प्रकार अंतर्जात एंडोजीनस भ्रूणीय प्रेरण, बहिर्जात एंडोजीनस भ्रूणीय प्रेरण। एंडोजीनस भ्रूणीय प्रेरण आंतरिक रूप से स्वतः अंगों का निर्माण होता है, जैसे उपचर में कोरोना की डोर्सल की कोशिका तथा एकाइनोडिया के वेंट्रल पोल की मेसेनकाइमल कोशिकाओं में यह प्रेरण अक्सर देखा जाता है। एंडोजीनस प्रेरण इनमें देखा जाता है। बहिर्जात प्रेरण या एक्सोजेनस प्रेरण बाह्य कारक या कोशिका द्वारा कोशिका को प्रेरित किया जाता है। इसमें क्या अंतर्जात के कोशिका को स्वतः अंतर रूप से आंतरिक रूप से प्रेरण मिलता है, इसमें के किसी बाह्य कारक द्वारा प्रेरण दिया जाता है। ये क्या बहिर्जात या एक्सोजेनस कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, होमोटैकिक और हेटरोटैकिक। समरूपी होमोटैकिक, इसमें समान टिश्यू या ऑर्गन का ही प्रेरण प्रदान करते हैं। इसमें समरूपी के समान रूप से कोई भी अंग का निर्माण करने तो उसी जिस अंग जो अंग है उसी अंग को प्रेरित करेगा, जैसे न्यूरल उद्दीपक के द्वारा न्यूरल टूब का निर्माण होगा, अर्थात न्यूरल उद्दीपक द्वारा न्यूरल टूब ही बनेगी। विषमरूपी हेटरोटैकिक प्रेरण, इसमें ये अपने अलग प्रकार के ऊतक या कोशिका को प्रेरित किया जाता है, जैसे कार्डियोमियोसाइट के उद्दीपक से संपूर्ण भ्रूण का निर्माण होता है। चूहों के पेट में मेसेनकाइम के प्रभाव से यूरोजेनिटल साइनस एंड्रोम में पेट जैसी ग्रंथियां बनना। एंड्रोम क्या है, चूहे में पेट में जो ग्रंथियां होती है जैसे इनमें निर्माण होना, ये क्या कहलाता है, हेटरोटैक्टिक भ्रूणीय प्रेरण। स्पेमेन मैनवर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेरिमेंट, स्पेमेन और इनके स्टूडेंट हार्वे मैनवर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें क्या है, ये डोनर अर्ली गैस्ट्रोलन डोनर है जिसमें 2 से 5 का डोनेट किए जाते हैं। ये रिसीवर द्वारा क्या है, ये ग्रहण की जाती है, ब्लास्ट ग्रहण की जाती है, जिससे क्या इंड्यूसर प्रेरित होकर सेकेंड न्यूरल प्लेट का निर्माण होता है। सेकेंड न्यूरल प्लेट के निर्माण से क्या है, डबल बॉडी बनती है, इंड्यूसर डबल बॉडी। तो ये अपने ब्लास्ट फोरियम के द्वारा ये डबल बॉडी का निर्माण हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट मैनगोल्ड और स्पेमेन ने बताया। धन्यवाद दोस्तों।